भाई खुली लूट है, खुली 6 मोमोज 735 रुपए के। इसमें भैया कुछ भी रियल नहीं है, ईटिंग चैलेंज में कुछ भी रियल नहीं है, सब इन्हीं का सेटअप है। क्योंकि जो है ना इसका जो लेयर है ना वो ये ना काफी थिक है। एक्चुअली ना मैदा का पोर्शन ज्यादा है, अगर मैदा का पोर्शन ज्यादा होगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चैलेंज कम्प्लीट करना। नहीं, आपकी लाइफ को कोई रिस्क होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। आप सभी को मेरा नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारी जो YouTube फैमिली है 10,000 की हो रही है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी वीडियो पर इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जिस ऑनेस्टी के साथ आपने, जिस ऑनेस्टी के लिए आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आगे भी मैं आपके लिए इसी ऑनेस्टी के साथ आपके लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बिग मोमो वर्ल्ड में, ये जगह हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी, यहाँ पर हम करेंगे ईटिंग चैलेंज और ये हमारी ईटिंग चैलेंज की पहली वीडियो है। दोस्तों ईटिंग चैलेंज हम नॉर्मली करेंगे, हम बस यही आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई नॉर्मली ईटिंग चैलेंज करना चाहे और कोई फूडी हो तो वो इस चैलेंज को कम्प्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। फूड का वेस्टेज नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, ईटिंग चैलेंज करते हैं बहुत ही गंदे तरीके से, ईटिंग चैलेंज करते हैं, खाना गिर रहा है, बहुत गंदे तरीके से खा रहे हैं, दिखने में बहुत ही डिसगस्टिंग लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से खाएंगे, नॉर्मल तरीके से खाएंगे। चलो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास रनिंग में कौन कौन से ईटिंग चैलेंज है और अपने लिए भी ईटिंग चैलेंज लेते हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर मैं यहाँ के एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस है कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा का है। आइए अंदर चलते हैं और अपने लिए ईटिंग चैलेंज लेते हैं, आइए। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हाल चाल है भैया? सर बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा भैया क्या क्या ईटिंग चैलेंज रखे हो? सर चैलेंज चल रहे हैं अभी हमारे पास, जो चल रहे हैं वो 5 चैलेंज चल रहे हैं, 2100, 5100, 3100, 100,000 और 5700। ये 5 तरह के चैलेंज चल रहे हैं और 5 चालू हैं। अच्छा, और पर प्लेट क्या कॉस्टिंग रहती है, प्राइस के अकॉर्डिंग? प्राइस सर जैसे सबसे छोटा चैलेंज है 2100 वाला, उसका प्राइस है हमारा 650, 15 मिनट 20 मोमोज और 2100 रुपए कैश आपको मिलेंगे। अच्छा हाँ, उसके बाद है आपका दूसरा चैलेंज जो है वो है 20 मिनट 25 मोमोज, 25 मोमोज, बास्केट का प्राइस 1050 रहेगा और अगर आप जीतते हो विनिंग प्राइस रहेगा 5100 रुपए। उसके बाद है जय वीरू चैलेंज है, उसमें 2 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका प्राइस होगा आपका 1500 और उसमें खाने होंगे आपको 15 मिनट और 38 मोमोज, 2 लोगों को मिलके खाने होंगे और अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिलेंगे 5700। हाँ जी, और उससे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा 1,00,000 वाला, 15 मिनट 35 मोमोज और पूरे 1,00,000 रुपए कैश, जिसका बास्केट प्राइस रहेगा 2,000 रुपए। ये जो 35 मोमो वाला कोई जीत के भी गया है इतना 1,00,000? हाँ सर जीते हैं, इसमें 4 लोग जीत चुके हैं। अच्छा, 4 लोग जीत चुके हैं। और अभी जो रीसेंट में सबसे ज्यादा चल रहा है हमारा वो चल रहा है 2 मिनट 6 मोमोज और पूरे 3100 रुपए कैश, 3100 रुपए। उसका क्या कॉस्ट होता है? प्राइस रहेगा 700। वो फाइनल प्राइस होगा इसका 700 विद जीएसटी होता है, जीएसटी लगता है 5% हर चैलेंज पे, हर चीज पे 5% जीएसटी है, 5% जीएसटी के बाद 735 रुपए हो जाता है वो। बाकी अगर आप जीतते हैं तो आपको 3100 रुपए मिलेंगे प्लस आपका जो प्राइस है 700 वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, 700 भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा चलो भैया, हम भी आपके लिए, हमारे लिए भी एक ईटिंग चैलेंज रखो, हम 700 वाला करेंगे। ठीक है सर। तो दोस्तों हम ना 700 वाला चैलेंज कर रहे हैं और देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। चलो इनका ईटिंग चैलेंज ट्राई करते हैं, आइए अंदर चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अपनी ईटिंग चैलेंज की प्लेटर लग चुकी है,
तो भैया बताएंगे, भैया ये कौन कौन से मोमोज हैं एक बार बताएंगे? सर आपके पास 6 तरह के मोमोज हैं। ये है आपका कुरकुरे मोमोज, ये कुरकुरे मोमोज, ये पिज्जा मोमोज, ये पिज्जा मोमोज, अफगानी मोमोज, ये अफगानी मोमोज, ग्रेवी, ये ग्रेवी मोमोज, ये तंदूरी है, तंदूरी, और ये स्टीम। अच्छा तो भैया 6 तरह के मोमोज हैं, आपको 2 मिनट के अंदर फिनिश करने हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 3100। अच्छा इसके साथ टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन यही है सर, आपको 2 मिनट के अंदर खाने, मुंह और प्लेट क्लीन होने चाहिए 2 मिनट के अंदर, और वॉमिट नहीं होनी चाहिए। वॉमिट होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो लीजिए दोस्तों, ये ना 735 का इसका कॉस्ट है विद GST। जी चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। भैया लगा दीजिए, हाँ टाइमर लगा दीजिए। 2 3 स्टार्ट। सर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। एक मिनट आपके पास एक सर तो ये चैलेंज नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपको करना है चैलेंज तो आ सकते हैं कड़कड़ुमा कम्युनिटी सेंटर, बिग मोमोज वर्ल्ड। सर इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली ना चैलेंज है ना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जो है ना इसका जो लेयर है ना वो ये ना काफी काफी थिक है। यही सर यही मोमोज है जिसमें थोड़ा सा टाइम, इसको लोग अगर 30 सेकंड तक इसी को टाइम देते हैं, अगर आप इसको फिनिश कर लेते, कुछ लोग इसको जल्दी फिनिश कर जाते हैं, कुछ इसको लास्ट में लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना इसमें ना मैदा का पोर्शन ज्यादा है। अगर मैदा का पोर्शन ज्यादा होगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चैलेंज कम्प्लीट करना। नहीं चैलेंज है तो टफ तो होगा ही। नहीं टफ तो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इजी बिल्कुल भी नहीं है। इजी नहीं है, लेकिन इसको अभी तक 62 लोग जीत चुके हैं। जी देखो मैंने तो नॉर्मल तरीके से खाया है, जैसे खाते हैं ना, स्पीड स्लो नहीं थी, नॉर्मल खाया था। लेकिन पता क्या है, वो जो मैंने जो फील किया, मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो ना एक्चुअली वो जो मैदे का पोर्शन था वो ज्यादा था। मैदा होता है, मैदे का ही होता है। बाकी वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मतलब दूसरी चीज ये 6 मोमोज के हिसाब से प्राइस का थोड़ा सा प्राइस। अच्छा आप कंपटीशन के हिसाब से प्राइस रखा है आपने 700 रुपए, कॉस्ट आपको बिल्कुल फ्री हो जाती है। और वो जो आपने बताया था 5 मोमोज की कॉस्ट थी 219 रुपए, सॉरी वो कोई भी एक वैरायटी के मोमोज आप ले सकते हो, जैसे तंदूरी लेने हैं या स्टीम लेने हैं या फ्राइड लेने हैं। तो ठीक है दोस्तों, मोमोज का चैलेंज जो है वो हमारे लिए ओवर हो गया और हम चैलेंज हार गए, मगर ठीक है चैलेंज करके थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इतना ईजी नहीं है। ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अब बाकी जो खाते हैं वो खा लेते होंगे किसी भी तरह। थैंक यू सर, थैंक यू। भाइयों खुली लूट है, खुली मतलब कि इन लोगों ने इतना झूठ फैला रखा है, इतना झूठ फैला रखा है ना, और मतलब मैं बोल नहीं सकता इतना झूठ फैला रखा है। मैं तो उन सब्सक्राइबर का थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये जगह मुझे सजेस्ट करी कि भैया एक बार भीम मोमो वर्ल्ड में इनका ईटिंग चैलेंज ट्राई करो और क्या रियलिटी है वो एक बार हमें दिखाओ। मतलब कि ये
मोमोज का टेस्ट बुरा नहीं था, मोमोज का टेस्ट अच्छा था, मगर मोमोज इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। आपको कहीं भी किसी भी ठेले पे इस तरह के मोमोज मिल जाएंगे। प्राइस अगर वैसे अगर नॉर्मल लोगे पाँच मोमोज की प्राइस है, वो केवल वो है 219 की, 210 या 219 आई गेस जो उन्होंने बताया था। और ये जो इन्होंने चैलेंज वाली वीडियो जो चैलेंज के लिए रखा है, ये है 735 की। आप समझ सकते हो 6 मोमोज 735 रुपए के। और इसमें ट्रिक सबसे बड़ा, इन्होंने क्या बिजनेस स्टडी लगा रखी है, मैदे की लेयर इतनी मोटी कर रखी है, बिना सेटिंग करे बगैर ये कोई बंदा जीत ही नहीं सकता। ये जो ये इसमें भैया कुछ भी रियल नहीं है, ईटिंग चैलेंज में कुछ भी रियल नहीं है, सब इन्हीं का सेटअप है। जो यहाँ पर जीत के जा रहे हैं और जो जीत रहे हैं उनको अच्छा खासा एम्पल टाइम दिया जाता है। ये मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि ये अपने बिजनेस को मतलब कि अपने प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं अपना दिमाग लगा के। मेरे को दिक्कत इसी से, एक तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस किया हुआ है, और दूसरा इन्होंने इतना ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उसमें, मैदे की इतनी लेयर मोटी यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी बात, इसमें अगर मैं मेन चीज़ इनपुट कर दूँ, मेन चीज़ तो यह है कि कुछ भी ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर आपको कुछ भी होता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, मैंने देखा है ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि देखो कितने ऐसे 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 कितने गंदे तरीके से खा के दिखाते हैं, इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं ताकि और लोग आएँ यहाँ पर ईटिंग चैलेंज करें। इस तरह से अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी लाइफ को कोई रिस्क होता है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और रही बात इसकी, इस तरह की वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, कभी कभी वीडियो बनाने वाले यहाँ पर अपने आप भी सेटअप करते हैं, अपने खुद के पैसे लगाते हैं, पूरी सेटअप करते हैं, अच्छा खासा टाइम लेते हैं, तब जाके वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो भाइयों बिल्कुल मैं आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, इस तरह के ट्रैप में ना फंसे, ठीक है। आपको इस तरह के मोमोज हर जगह मिल जाएंगे। बाकी इन्होंने अपनी जो भी है, मैं आपको जैसे बताया बिहार को ही अपना प्रोग्रेस के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी लगाता है, बाकी इनकी प्रोग्रेस आप देख ही सकते होंगे, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी वीडियो का थीम ना ये नहीं है कि एक्सपोज 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 एक्सपोज। देखो देखिए सर, मैं कोई निगेटिव बंदा नहीं हूँ, मैं कोई निगेटिव इंसान नहीं हूँ, मेरे को जो गलत लगता है मैं बिल्कुल बोलता हूँ, यही मेरा नेचर भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एंड में आपसे यही कहूँगा, मैंने एक नाटक और देखा है इनका। नाटक क्या है, एंड में ना ये कहीं भी प्राइज़ मनी जीतेंगे, 8 लाख 1 लाख मतलब कि जो भी प्राइज़ मनी जीतते हैं उसी ओनर को, रेस्टोरेंट ओनर को वापस कर देते हैं। मतलब कितने बड़े दिल वाले हैं, मतलब इतना बड़ा नाटक मतलब कि पचाने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। मैं तो देखता हूँ, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी वीडियो में ऑब्ज़र्व किया है। भाई साहब अगर आप इतने दरियादिल हो, जाके रोड पे कितने नीडी बंदे हैं, कितने ऑर्फेन हैं, कितने ओल्ड एज होम हैं, वहाँ जाके डोनेट करो ना, आप तो अमीर को और अमीर कर रहे हो। ये क्या बात हो गई, ऐसा मत करो, भोले भाले लोगों को और इस तरह से मिसगाइड मत करो, हो गया बस आपका यार, बस अब मत करो। बस मैं आपसे यही कहूँगा और इस वीडियो का एंड में यही पे कर रहा हूँ। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।